हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेसिमल सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे 9 ईयर्स और 10 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए। ठीक, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, उसको देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? डेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9 ईयर्स एंड 10 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए जो डेसिमल सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखा गया है, इससे तो आप परिचित हैं। जो डेली लाइफ में हम लोग सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, वही क्या डेसिमल सब्ट्रैक्शन है। ठीक, जैसे कोई कहा 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग का डेसिमल सब्ट्रैक्शन है। ठीक, लेकिन अब जो हम लोग को डेसिमल सब्ट्रैक्शन सीखना है आज के इस लेक्चर में, वो एक नए तरीके के टेक्निक से सीखना है। और वो जो टेक्निक है, ये क्या है, हम लोग को 9 ईयर्स और 10 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए सीखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे 2 मिनट कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग 9 ईयर्स और 10 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे, और तब फिर जाके हम लोग उसको यूज करते हुए क्या करेंगे, डेसिमल सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। ठीक, किसी चीज़ को यूज करना है तो पहले उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए ना। ठीक, तो उसी तरीके से ये जो 9 ईयर्स और 10 ईयर्स हम लोग के लिए नया वर्ड है, तो पहले हम लोग इसको सीख लेंगे, तब फिर हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्स को देखिए आप, मैं लिखा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑफन यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए लिखा गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, इस कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से कैसे सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई होते हैं, इसको आगे जब अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उससे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तब तक थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए। ओके, फिर देखिए क्या लिखे हैं, द कॉम्प्लीमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम बेस। ठीक, नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेस के आधार पर जो कॉम्प्लीमेंट है, ये 2 टाइप से क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे चार्ट भी बनाया हूँ। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को 2 पार्ट में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। ठीक, जो पहला पार्ट है उसको क्या लिखे हैं, आर एस कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसको क्या लिखे हैं, आर माइनस 1 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं। ठीक, चूंकि हम लोग बेस को किसे लिखते हैं, रेडिक्स से लिखते हैं। ठीक, बेस को हम लोग रेडिक्स से लिखते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, बेस को हम लोग रेडिक्स कहते हैं, पीछे पढ़े ना, तो इसी रेडिक्स का हम लोग आर जो है वहां पे लिखे हैं। ठीक, ये क्या हो गया, आर एस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें से एक घटा के लिखे, मतलब आर माइनस 1 एस कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। ठीक, तो अब देखिए इस आर एस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमिनिस्ड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या इसी को आप डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, डिमिनिस्ड में क्या होता है, छोटा किया हुआ, रिड्यूस किया हुआ। ठीक, तो इसमें पूरा हम लोग का बेस था, इसे वैसे इसको हम लोग रेडिक्स कर दिए। इसमें रेडिक्स में से, मतलब बेस में से एक हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसी वजह से इसको डिमिनिस्ड कॉम्प्लीमेंट या डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि बेस को छोटा किया जा रहा है इसमें, क्लियर, इस वजह से इसका नाम डिमिनिस्ड है। ओके, अब देखिए ये डेसिमल के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे, तो डेसिमल के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 होगा, तो डेसिमल के लिए 10 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। दूसरा टाइप का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा डेसिमल के लिए, तो 10 में से एक हम निकालेंगे तो आर माइनस 1 एस वाला हमको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करेंगे तो क्या होगा, 2 तरीके के कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। बेस के आधार पर क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो देखिए डेसिमल सिस्टम का बेस क्या है, 10 है, तो एक क्या हो गया आर एस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 10s, और एक r माइनस 1s होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये क्या है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि रेडिक्स के बराबर है, ये रेडिक्स का छोटा हुआ कॉम्प्लीमेंट है, रेडिक्स को छोटा किया गया, मतलब ये डेसिमल के लिए क्या है, डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, जिसको हम लोग 9s कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग का नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो उसके लिए क्या होगा, जो rs कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और r माइनस 1s वाला क्या होगा, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग का अगर नंबर सिस्टम जो है ऑक्टल है, तो rs कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 8s कॉम्प्लीमेंट, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 7s कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम हम लोग डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे rs कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 16s कॉम्प्लीमेंट, और r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 15s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो ऐसे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक, अब देखिए आपको पढ़ना क्या है, आपको बस 4 टाइप के कॉम्प्लीमेंट पढ़ने हैं, एक 10 ईयर्स, एक 9 ईयर्स, एक 2 ईयर्स और एक 1 ईयर्स। ठीक, क्लियर, ये 4 बस हम लोग के सिलेबस में, इन्हीं 4 को पढ़ना है, बाकी इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। क्लियर,
ठीक ना। तो ये चार टाइप बस हम लोग के पढ़ने हैं, ओके। इनको नंबर सिस्टम के बेस के आधार पर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है, ठीक। अब देखिए बगल में कुछ की पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आर एस कम्प्लीमेंट इज गिवन बाई, आर एस कम्प्लीमेंट को हम लोग देते कैसे हैं, तो आर की पावर एन माइनस कैपिटल एन लिखते हैं, ठीक। जहाँ पे आर क्या है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम होगा उसका क्या होगा, बेस होगा। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट, ठीक। जो हम लोग जिस नंबर का हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, उसमें कितना डिजिट है वो क्या है, स्मॉल एन बताएगा। कैपिटल एन क्या बताएगा, जो दिया गया पॉजिटिव नंबर है जिसका हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक। अभी से इसको आगे हम लोग समझेंगे, जगह बना लेंगे फिर समझाएंगे डिटेल में, ठीक। ऐसे देखिए आर माइनस माइनस कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसको कैसे दिया जाएगा, तो इसको लिखा गया है आर माइनस माइनस, मतलब सिंपली क्या करेंगे, इसमें से एक हम लोग घटा देंगे, तो एक घटा दिया गया, एक चाहे यहाँ लिखिए चाहे इसके साथ लेके लिखिए, कोई फर्क नहीं, और क्या किए माइनस एन लिख दिया, ठीक। ऐसे ही अगर कोई नंबर दिया गया है उसमें क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसके लिए क्या है एक नया फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, वो नया फार्मूला क्या होगा, आर के पावर एन माइनस आर के पावर क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें आर क्या है, बेस है दिए गए नंबर सिस्टम का, एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट है, ठीक, और एम क्या है, एम जो है नंबर ऑफ क्या है, फ्रैक्शनल डिजिट है, ठीक, और एन क्या होगा, एन आपका दिया गया नंबर होगा, ठीक, जो पॉजिटिव नंबर दिया हो गया वही क्या होगा, एन होगा। जैसे यहाँ लिखे ना गिवन पॉजिटिव नंबर, ऐसे एन यहाँ भी क्या है, गिवन पॉजिटिव नंबर, इसको लिख लीजिएगा, नीचे कट जा रहा था, जगह नहीं था, इस वजह से मैं नहीं लिखा हूँ, क्लियर। तो इस चीज़ को अभी मैं जगह बनाता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा कैसे फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक। एमसीक्यू के लिए फार्मूले क्या है इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब दो मिनट के अंदर हम लोग 9s और 10s कम्प्लीमेंट को निकालना सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल सब्सट्रैक्शन पे बढ़ चलेंगे, ठीक। तो देखिए अगर कोई कह दे कि डेसिमल का 4 लिखा हुआ है, इसका 10s कम्प्लीमेंट निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में से इस 4 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक, बचेगा क्या 6, ठीक। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से हम लोग को और पता चल जा रहा है कि जिस नंबर का कम्प्लीमेंट निकालना है और जो कम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके अलावा बचे हुए नंबर को क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक। जैसे 4 का क्या निकालना है, 4 डेसिमल का है, इसका 10s कम्प्लीमेंट निकालना है, तो 10 में से 4 के अलावा जो नंबर बचा है उसको हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ये चीज़ देखने मिल रहा है ना कि कम्प्लीमेंट क्या है, जो रेस्ट ऑफ नंबर है वही क्या है, उसका कम्प्लीमेंट है। जैसे 4 का 10s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए 10 में से 4 को घटा रहे हैं, तो 6 नंबर बचेगा, तो ये क्या हो गया, इसका बचा हुआ जो नंबर है वही इसका कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। ऐसे कोई कहते 44 है डेसिमल का, इसका 10s कम्प्लीमेंट निकालिए, 44 है डेसिमल का, इसका 10s कम्प्लीमेंट निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 में से 44 को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 66, ठीक। तो 44 के अलावा जो बचा हुआ नंबर था उसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक। इसी से देखिए फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक। ये देखिए आर क्या है, बेस है, तो क्या डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक। तो 10 हम लोग यहाँ पे इसमें से 10 यूज कर रहे हैं, ठीक। तो डेसिमल का बेस यहाँ पे क्या है, 10 है, तो एन यहाँ क्या था, नंबर ऑफ डिजिट 1 था इसमें, तो 10 के पावर 1 लिखे, और जो दिया गया पॉजिटिव नंबर है वो क्या था, 4 था, ठीक। तो कैपिटल एन देखिए 4 है, स्मॉल एन 1 है, और जो बेस है सिस्टम का वो क्या, 10 है, ठीक। तो ऐसे हम लोग देखिए इसको लिख लिए। ऐसे जब दूसरा नंबर आया 44, तो 44 में देखिए क्या है, बेस तो अभी भी 10 है, आर अभी भी 10 है, ठीक, लेकिन जो नंबर ऑफ डिजिट है 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक, और जो गिवन पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 44 है, ठीक। तो ऐसे देखिए करके क्या किया गया है, ये पे एक जनरल फार्मूला बना दिया गया है, ठीक। ऐसे ही जनरल फार्मूला देखिए क्या है, दोनों पे लागू है, ओके। एन के वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो 10 का पावर है वो क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक। जब एन क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो 10 लिखेंगे, 2 था तो क्या किए, 100 लिखे। अब कैसे पता चला कि 100 होगा, एन का वैल्यू ये नंबर ऑफ डिजिट से हम लोग को पता लगा रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट था, तो 10 के पावर 2 लिखे, 100 आ गया यहाँ से, ठीक। और एन क्या है, कैपिटल एन दिया गया पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या है, 44 है, उसी से फॉर्मूला बन गया जनरल, ठीक। तो अब देखिए एक नंबर दिया गया, यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया गया, कह रहा है किसका, 10s कम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक। इन दोनों नंबर का 10s कम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक। तो अब डायरेक्ट हम लोग वो फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, n जो है इसमें 4 है, 4 डिजिट का नंबर है, बेस जो इसका डेसिमल नंबर है, तो बेस क्या होगा, 10 होगा। अब इसका 10s कम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो इसका जो 10s कम्प्लीमेंट होगा क्या होगा, बेस के पावर नंबर ऑफ डिजिट लिख देंगे, तो 10 के पावर 4 हो गया, और माइनस जो दिया गया पॉजिटिव नंबर है कैपिटल एन, उसको लिख देंगे, ठीक। तो ऐसे लिखे, इसको घटाने पे क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, इस दिए गए वैल्यू का 10s कम्प्लीमेंट मिल गया, क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए जो दूसरा नंबर है, ये देखिए क्या है, इसमें दोनों पार्ट मैं कंसिडर किया हूँ, एक क्या है इंटीजर पार्ट और दूसरा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक।
तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के नंबर के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसको भी सिंपल जैसे ये निकालें वैसे इसको भी क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए एन का वैल्यू क्या लेंगे, अब 2 लेंगे, क्योंकि एन क्या है, बस नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट है, ठीक। इस वजह से एक फ्रैक्शन वाला डिस्कस कर रहा हूँ, एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट है। गलती से आप ये 4 मत इसको गिन लीजिएगा, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शनल डिजिट है, ठीक ना। तो इस वजह से एन यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। अभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम है तो बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे, ठीक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिए तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 रहेगा, क्योंकि एन का वैल्यू 2 है। और उसमें से क्या करेंगे, जो दिया गया पॉजिटिव नंबर है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। यहां से हमको क्या हो गया, इसका 10 हैज कॉम्प्लीमेंट मिल गया, क्लियर। तो सिंपल आपको करना क्या है, 10 एस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो नंबर ऑफ डिजिट है उसको 10 के ऊपर चढ़ाना है, अगर डेसिमल नंबर है, ठीक। ये डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, इसका क्या पूछ रहा है, इसका 10 एस कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो क्या करना है, 10 लिखना है, बेस 10 लिख देना है, नंबर ऑफ डिजिट उसके ऊपर 10 के ऊपर चढ़ा देना है, और दिए गए नंबर को घटा देना है, हम लोग का क्या होगा, 10 एस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। निकालना सीख गए ना, ओके वेरी गुड। अब देखिए हम लोग किस पे चलेंगे, अब 9 एस कॉम्प्लीमेंट पे चलेंगे, ठीक। ये दोनों क्या है, 9 एस कॉम्प्लीमेंट का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया हूँ, ठीक। तो 9 एस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में से एक को क्या करना है, घटा देना है, ये जो फॉर्मूला था उसमें से क्या करना है, एक घटा देना है, 9 एस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक नंबर लिखा गया, ये डेसिमल नंबर है, कैसे पता चल रहा है, 10 लिखा गया, ये भी क्या है, डेसिमल नंबर है, कैसे पता चल रहा है, 10 लिखा गया, ठीक। इसका कह रहा है इन दोनों का 9 एस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा दो, तो निकाल के हम लोग दिखा देंगे अभी। तो देखिए एन का वैल्यू क्या है, इसमें 4 है, चारों का इंटीजर है, आर क्या है, 10 है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका 9 एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 में से घटाने पर 9 आएगा, पीछे हम लोग देखे थे, और उसके लिए देखिए फॉर्मूला भी लिखे हुए यहां पे, ठीक। तो क्या करेंगे, 10 के पावर 4 जैसे लिखे थे, 10 के पावर 4 देखिए लिखेंगे, ठीक, क्लियर, क्योंकि 4 डिजिट है इसमें, ओके। और फिर क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे, क्योंकि हम लोग को 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब क्या करते हैं, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो एक घटाते हैं, ठीक। इसमें से एक घटा के लिख लिए, और यहाँ पे जो दिया गया नंबर था उसको पूरा लिख लिए। अब देखिए इसको जब क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या होगा, 4 बार लड्डू आएगा, उसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, 9999 आएगा, और उसमें फिर जब इस नंबर घटाएंगे तो ये हम लोग को इसका 9s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए एक तरीका बता रहे हैं क्या करना है, आपको जितना नंबर डिजिट दिया रहेगा उतने बार क्या करिए, 9s कंप्लीमेंट निकालने के लिए 9 को लिख दीजिए, इसको गोली मार दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 बार दिया है, 4 डिजिट दिया है, तो 4 बार 9s कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करिए, 9 लिख लीजिए, और उसमें से दिए गए नंबर को डायरेक्ट घटा दीजिए, आपको 9s कंप्लीमेंट मिल जाएगा। यह सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ओके, इतना चीज क्लियर ना। डायरेक्ट क्या करना है, दिए गए जो नंबर ऑफ डिजिट है उसके हिसाब से तुरंत क्या करिए, आप उसको अप्लाई कर लीजिए, ओके। एक लाइन देखिए आपका बच जाएगा, क्लियर। अब देखिए एक और नंबर कंसीडर करना है, ठीक। अब ये जो नंबर है इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हैं, ठीक। ये जनरल एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में बस क्या किया है, इंटीजर पार्ट को डिस्कस किया, इस वजह से मैं जान के इसको लाया हूँ यहाँ पे, ताकि आपके मन में कोई डाउट हो दूर हो जाए, ठीक। तब देखिए इसमें इंटीजर पार्टी है, फ्रैक्शनल पार्टी है, तो ऐसे के लिए भी एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर फ्रैक्शन पार्ट आ जा रहा है और उसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, r के पावर n माइनस r के पावर माइनस m माइनस n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट, m क्या है, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डिजिट है, और कैपिटल n गिवन नंबर है, जो नंबर पॉजिटिव नंबर दिया गया है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, n का वैल्यू 3 रहेगा, जो इंटीजर डिजिट है क्या 3 है, फ्रैक्शनल डिजिट क्या है, जिसमें फ्रैक्शनल डिजिट है वो क्या 3 है, यहाँ m क्या रहेगा 3 रहेगा, m क्या रहेगा 3 रहेगा, और r क्या है, बेस जो है 10 है, ठीक। अब इसके 9s कॉम्प्लीमेंट को निकालना है, तो लिख लिए 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू क्या हो गया, 10 के पावर 3 हो गया, क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, यहां 10 के पावर माइनस 3 लिख दिए हैं, क्लियर, क्योंकि देखिए क्या है, r के पावर n है, फिर r के पावर माइनस m है, ठीक। तो 10 के पावर 3, 10 के पावर माइनस m का जो वैल्यू है पुट करेंगे यहाँ पे 3 है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दिया गया नंबर है उसको लिख लिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 बार 9, और यहाँ पे क्या है, 3 बार 9 आ गया पॉइंट के बाद, ठीक। और ये दिया गया नंबर इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका 9s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको इतना सारा ऐसा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। जितने बार नंबर, जितना नंबर ऑफ डिजिट है इंटीजर में उतना बार 9 लिख लीजिए, जितना नंबर ऑफ डिजिट है फ्रैक्शन में उतना बार 9 लिख लीजिए पॉइंट लगा के, और उसमें से दिए गए नंबर को घटा दीजिए, 9s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बात समझे, डायरेक्ट आप इतना अपना टाइम मत बर्बाद करिए, पेज मत बर्बाद करिए, पेन मत बर्बाद करिए, डायरेक्ट एन पे देखिए, एम पे देखिए, और उतना एन 3 बार था, 3 बार 9 लिखे हैं, पॉइंट लगाइए, एम जितने बार हो उतने बार 9 लिख दीजिए, दिए गए नंबर को घटा दीजिए, आपको क्या होगा, 9s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ओके। तो उम्मीद है कि अब
आप 9s और 10s कंप्लीमेंट निकालना सीख गए होंगे। ठीक, तो अब इसी को अभी हम लोग अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, डेसिमल सब्सट्रैक्शन को सीखेंगे। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बता रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करें इस r माइनस 1s में एक जोड़ दें तो हम लोग r पे पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे। अरे भाई 10 ये यहाँ पे था, 10s कम्प्लीमेंट है, ये क्या है 10 माइनस 1s कम्प्लीमेंट है जिसको हम लोग 9s कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसी 9s कम्प्लीमेंट में अगर हम एक जोड़ देते 10s पे दोबारा पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे, बोलिए पहुँच जाएंगे नहीं पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे ना। इसमें अगर एक हम जोड़ देते क्या होगा, आर माइनस 1s में अगर एक जोड़ देते हम आर एस पे पहुँच जाएंगे। तो एक फार्मूला लिख लीजिएगा, आर माइनस 1s कम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, आर एस कम्प्लीमेंट जो होता है वो आर माइनस 1s प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे डेसिमल सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, जो 1s 2s कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, फालतू में वीडियो लंबा करने का फायदा नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 10s कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, डेसिमल सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। ओके, वैसे जो मैं रूल यहाँ पे लिखा हूँ ये एक कॉमन रूल लिखा हूँ, ये 10s के लिए भी लागू होगा, 2s के लिए भी लागू होगा, 8s के लिए भी लागू होगा और 16s के लिए भी लागू होगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ आप उसके हिसाब से जो कॉम्प्लीमेंट लिखना है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, आरएस में कौन कौन से आएंगे, 10, 2, 8, 16 पीछे हम लोग देखे थे, तो अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो एक जनरल रूल मैं यहाँ लिख दिया, उसको अपने हिसाब से जहाँ मन करेगा वहाँ आप यूज करते रहिएगा। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन यूजिंग आर एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कह रहा कि आर एस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके अगर सब्सट्रैक्शन आपको करना है तो जो नीचे दिए गए स्टेप हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला देखिए क्या लिखा गया है, इक्वेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन द माइनूट एंड सब्सट्रैंड इफ दे आर नॉट इक्वल पैडिंग विथ जीरो इज यूज टू मेक देम इक्वल। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले जो माइनूट है और जो सब्सट्रैंड है उसके डिजिट को देखेंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो जिसमें डिजिट कम है उसके साथ जीरो को क्या करेंगे, जीरो का पैडिंग कर देंगे उसके साथ। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एक डिजिट लिखा हुआ है ये है, एक डिजिट ये है। ठीक, इसको क्या करना है, 10s कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से क्या करना है, इसका सब्सट्रैक्शन निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का क्या होता है, माइनूट होता है। ठीक, ये क्या है, माइनूट है, जिसमें से हमको घटाना है और जिसको घटाना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रैंड कहते हैं। ठीक, जिसको घटाना उसको हम क्या कहते हैं, सब्सट्रैंड कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए माइनूट में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, लेकिन जो सब्सट्रैंड है उसमें देखिए क्या है, 4 डिजिट है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, जो सब्सट्रैंड है इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो के साथ इसका पैडिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में यहाँ पर जीरो ऐसे लगा लेंगे। ठीक, 04250 कर लेंगे। क्लियर, फिर देखिए क्या है, लिखा गया कि फाइंड द आर एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्रैंड। अब कर रहा है कि जो सब्सट्रैंड मिला है उसका आर एस कॉम्प्लीमेंट क्या करिए, आप निकालिए। ठीक, अगर पहले से डिजिट बराबर रहता सब्सट्रैंड और माइनूट का तो हमको जीरो के साथ पैडिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक, तो डायरेक्ट हम क्या करते, अगर मान लीजिए 7 नहीं रहता, दोनों का बराबर रहता तो हम इस सब्सट्रैंड का क्या करते, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते। लेकिन अब हम लोग को जीरो के साथ पैडिंग करना पड़ा है इस डिजिट को इक्वल करने के लिए, इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी सब्सट्रैंड का क्या निकालेंगे, 10s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं, टेकिंग 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 04250, इसका क्या किए हैं हम लोग, अब 10s कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं। ठीक, तो अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस जीरो को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि जीरो को पैडिंग किए हैं इसी बस की है, ताकि उस इस जीरो का क्या है, कुछ रोल है और वो जो रोल है वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते तो 10^4 लिखते, तब यह इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, 4 है तो 10^4 आता। लेकिन इस जीरो को जब हम लोग पैडिंग कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको काउंट करना है और देखिए अब 10^5 लिख रहे हैं, ऐसे ना 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 10^5 लिख दिए, माइनस जो दिया गया नंबर है उसको लिख दिए, सॉल्व करने पर क्या होगा, ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, सॉल्व करने पूरा जल्द मिलेगा। ओके, तो दो स्टेप देखिए हम लोग परफॉर्म कर लिए। अगर क्या रहता, दोनों में 4-4 डिजिट रहता तो हम लोग इसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते, ये सब्सट्रैंड का डायरेक्ट निकाल देते, तब 10^4 रहता और ये जीरो क्या रहता, गायब रहता। क्लियर, तो चीज़ों को सीखते हुए चलिएगा। ठीक ना, अब देखिए तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, दो स्टेप हम लोग कर लिए। क्लियर, ये डायरेक्ट आपको करना है, ये सब इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसमें पोथी पत्रा नहीं लिखा हूँ। ठीक, अगर आपको मन करे तो आप स्टेप फर्स्ट पहले क्या करिए, नंबर लिखिए, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ माइनूट, फिर नंबर ऑफ डिजिट ऑफ सब्सट्रैंड, ऐसे मन करे तो एक दो पेज बैठ के सॉल्व करिए। ठीक, तो फिर उसको पैडिंग करिए, लिखिए फिर पैडिंग द सब्सट्रैंड विथ जीरो, तो ऐसे करके तो
फालतू में टाइम बेकार करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम और आपका रिजल्ट देखेंगे, खटाक से सही करके आगे निकल जाएंगे। ओके, अब देखिए क्या होगा। तीसरा क्या कर रहा है, ऐड, तीसरा स्टेप कर रहा है ऐड माइन्यूट विद आरएस कम्प्लीमेंट ऑफ सब्सटेंट। ठीक, कह रहा है कि अब जो सब्सटेंट का आरएस कम्प्लीमेंट आया है तो हम लोग 10s कम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, तो इसका जो 10s कम्प्लीमेंट आया है उसके साथ क्या करेंगे, माइन्यूट को ऐड कर देंगे। तो ठीक, तो देखिए लिखे हैं एडिंग दिस कम्प्लीमेंट टू द माइन्यूट दैट इज 76532। इसके साथ क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ये एडिशन सिंपली वैसे ही होगा जैसे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल एडिशन लिखते हैं, क्योंकि क्या हम लोग का डेसिमल वाला ही सब चल रहा है, ये जो डेसिमल नंबर यहाँ पे चल रहा है। ठीक, तो देखिए क्या है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 3 8, 7 5 12 हो गया। ठीक, 6 5 11, एक कैरी रहेगा 12 हो गया, और 9 7 16, एक कैरी जो था 17 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 7 2 1 7 2 2 8 2, ये क्या हो गया, हम लोग को नंबर मिल गया। ठीक, तो यहाँ तक देखिए हम लोग कर लिए, ये स्टेप हम लोग कर लिए। अब कह रहा है ये यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऐड किए हैं किसके साथ, माइन्यूट को सब्सटेंट साथ। ठीक, यहाँ तक कर लिए। अब देखिए इसमें भी दो स्टेप है, कह रहा है कि इफ़ द सम प्रोड्यूसेस कैरी कामा डिस्कार्ड इट। ठीक, मतलब इग्नोर कर दीजिए। तो जब इसको सम किए तो देखिए कैरी यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को मिल गया है। ठीक, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, क्लियर। तो ये इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 76532 में से अगर हम क्या करें 4250, एक मिनट रुक जाइए, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक, 4250 को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को ये नंबर मिलेगा जो किसके बराबर होगा, 72282 के बराबर होगा। ठीक, आप घटा के देख लीजिए, जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं सबट्रैक्शन को वैसे घटा के देखिए तो यही रिजल्ट आएगा। इसको देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं, 10s कम्प्लीमेंट के हेल्प से क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। क्लियर, तो ऐसे लास्ट में लिख देंगे कि इसमें से ये घटाने पे यहाँ जीरो पेंडिंग करने मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि फाइनल रिजल्ट क्या है हम लोग का, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट हम लोग को लिखना जो क्या है 72282 के क्या होगा, बराबर होगा। आप उसको घटा के देखिएगा, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या चीज क्लियर है, यही रिजल्ट क्या होगा आप लोग को मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, अब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक, तो उस दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा ये वाला जो स्टेप 3 का जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा, दूसरे एग्जांपल में अभी यूज होगा। ठीक, तो चलिए जो शुरू से हम लोग पढ़े हैं पहले उसको सीखते हुए आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिसमें घटाते हैं उसको माइन्यूट कहते हैं, जिसको घटाते हैं उसको सबस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो देखिए माइन्यूट और सबस्टेंट के नंबर ऑफ डिजिट बराबर है नहीं है, दिखाई दे रहा ना, इनके नंबर ऑफ डिजिट देखिए बराबर है नहीं। इसमें क्या है आपका, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, इसको क्या करेंगे, जीरो के साथ इसका पैडिंग कर देंगे। ठीक, जीरो लगा दिए इसमें। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, सबस्टैंड का क्या कर लेंगे हम लोग, 10s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिजिट 5 है तो 10 के पावर 5 लिखेंगे और उसमें से घटा देंगे तो ये हम लोग को क्या होगा, सबस्टैंड का 10s कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब फिर जो ये कॉम्प्लीमेंट मिला है 10s कॉम्प्लीमेंट सबस्टैंड का, उसको क्या करेंगे, जो हम लोग को माइन्यूट मिला है नया वाला माइन्यूट, वो क्या है, जीरो के साथ पैडिंग करके मिला है, तो 04250 के साथ क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये नंबर देखिए मिल रहा है, 0 और 8 8 6 5 11 4 2 6 7 4 3 7 और 2। ठीक, इसमें किसी तरीके का कैरी नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या रूल होगा अब इसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए तीसरा स्टेप ये कर रहा है कि द सम डज नॉट प्रोड्यूस एन इंड अराउंड कैरी। अगर सम क्या कर रहा है, इंड हो रहा है और कहीं कैरी अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो क्या लिखा गया है, टेक आरएस कॉम्प्लीमेंट। तो लिखा गया कि क्या करिए, आरएस कंप्लीमेंट लीजिए किसका, टू द रिजल्ट ऑफ सम, जो सम का रिजल्ट मिला है इसका क्या कर लीजिए, आरएस कंप्लीमेंट ले लीजिए। ठीक, तो इसका देखिए आरएस कंप्लीमेंट लिए, तो यहां पर हम लोग कौन सा कंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, 10s कंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। तो 10s कंप्लीमेंट ऑफ 27718 क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट क्या करना है, इसका डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिखाऊं, आपको एक मन करे तो आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, 10 के पावर देखिए कितना 5 डिजिट है, 10 के पावर 5 माइनस ये पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 72282 के क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक, तो यहाँ तक देखिए हम लोग कर लिए ऑफ द सम। ठीक, जो सम आया है उसमें कैरी नहीं था तो हम लोग क्या किए, उसका 10s कॉम्प्लीमेंट ले लिए। ठीक, अब फिर कह रहा है प्लेस अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट, और कह रहा है कि क्या करिए, फ्रंट पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे, रिजल्ट लिखेंगे ऐसे 4250 माइनस 76532, इसका जो रिजल्ट होगा उसको क्या करेंगे, माइनस लगा लिखेंगे, माइनस 72282। देखिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, तो देखिए जाहिर सी बात है यही, देखिए दोनों सेम नंबर थे,
दोनों स्टेप को समझाने के लिए सेम नंबर कंसिडर किया हूँ, बस उलट के कंसिडर कर लिए। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर एक डिजिट कोई और रहता तो जीरो पैडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो अब देखिए क्या है, इसको इसमें घटाएंगे तो ये नंबर बड़ा था, छोटे वाले घटाने प्लस आ रहा है। ठीक, अब ये नंबर छोटा था तो छोटे में से बड़े वाले घटाने क्या होगा, माइनस आएगा। देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब जो हम लोग रूल यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये क्या है, रूल सही है। क्लियर, ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ये रूल क्या है, यहाँ पे सही है। ठीक, ये चीज़ आप कन्फर्म हो गए होंगे। अब देखिए इसको कम्प्लीमेंट को यूज़ करने का फायदा क्या है। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते जो अभी तक करते आए हैं, ऐसे कुछ करते, ऐसे नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते। ठीक, तो क्या होता, यहाँ जीरो है यहाँ टू है, तो इससे कुछ बाहर लेते हम लोग, तब फिर जाके सब्सट्रैक्ट करते, फिर इसको उसमें सब्सट्रैक्ट करते कुछ आता, फिर यहाँ टू है तो फिर क्या करते फोर से कुछ बाहर लेते, फिर जाके हम लोग सब्सट्रैक्ट करते। ठीक, तो ऐसे इसमें बारह वगैरह बार बार हम लोग को लेना पड़ता। ठीक, वैसे ही अगर ये वाला मान लीजिए ये हम लोग सब्सट्रैक्शन करते, जैसे डेली लाइफ में हम लोग करते हैं अपने ये वाला सब्सट्रैक्शन करते, अब आप सामान लेने जाएंगे तो ग्रोसरी वाला थोड़ी ना कहेगा कि 10s कम्प्लीमेंट को निकालना है तब आपको सामान दे रहे हैं। आप 500 का नोट पकड़ा है और कुछ मान लीजिए 200 कुछ रुपए का आप खरीदारी किए हैं, और उसके बाद वो कहेगा रुको हम 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तब सब्सट्रैक्ट करेंगे जो पैसा बचा कर देंगे, तो उसको जानकारी है नहीं, तो डेली लाइफ वाला यूज करेगा, जाके आप सिखा दीजिएगा उसको। ठीक, तब देखिए आप क्या है, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या 3 है, अब 3 है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। ठीक, फिर ऐसे कुछ चलेगा आगे, फिर आगे हो सकता ये क्या करेंगे, ऐसे घटाते हुए चल जाएंगे। ठीक, ऐसे घटाते हो निकालते हो चल जाएंगे, तो यहाँ 12 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 में से इसको निकाल देंगे, 6 में से इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, ऐसे बन जाएगा। ठीक, मान लीजिए कई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, कई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 76000। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दे रहा है 8245, ऐसे लिख दिया। ठीक, तो देखिए क्या होगा, एक बार ये इसके जाएगा 12 लेने, तो इसके पास कुछ नहीं है, शून्य बटा सन्नाटा है, तो फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो फिर ये इसके पास जाएगा, ये क्या होगा फिर इसको उधार देगा, तो फिर इससे ये वाला लेगा, इससे वाला लेगा। ठीक, ये काफ़ी क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। ठीक, तो उसी टाइम को कम करने के लिए और ये सब जितना हम लोग परफॉर्म वगैरह करेंगे सबके लिए कुछ सर्किट वगैरह अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि कम छोटा से छोटा सर्किट बने और कम टाइम में चीजों को हम लोग क्या करें सॉल्व कर ले जाएं, उसके वजह से कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक, देखिए खटाक से क्या किया गया, कंप्लीमेंट निकाला गया और चीजों को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक, जैसे समझिए आप लोग को 9 में से क्या करना है, 9 में से क्या करना है 3 को घटाना है। ठीक, 9 में से 3 को घटाना है तो आप क्या करें, यहां 6 लिख देंगे या क्या करेंगे 6 लिख देंगे। ठीक, 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से इसको घटा सकते हैं। ठीक, यहाँ 9 लिखेंगे, अब 3 का 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो ये क्या हो गया, आपके 7 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ना है, कॉम्प्लीमेंट निकाल के क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो सब्सट्रैक्ट का कॉम्प्लीमेंट 10s क्या होगा, 7 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 आ जाएगा। ठीक, जो कैरी होगा उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, देखिए इस विधि से भी आ जा रहा है। ठीक, तो ऐसे ही जो हम लोग यूज करते हैं उसी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट लोग क्या, सब कुछ उस नंबर के अलावा। तो इस 3 का कॉम्प्लीमेंट 10s कॉम्प्लीमेंट था, तो 10 में से 3 को हटाने पर क्या है, सब कुछ जो बच रहा है 7 बच रहा है, तो 7 को लिख दिया, उसको जोड़ेंगे, कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। क्या चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ें। ऐसे देखिए अगर क्या करना पड़ता, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, ऐसे मान लीजिए कोई नंबर है, चलिए 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक, कह रहा है 4 में से 5 घटाइए, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल ऐसे माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक, लेकिन इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से घटा सकते हैं, 4 लिख दिए, 5 का 10s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 5 का 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। ओके, फिर क्या करेंगे इसको हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, अब देखिए कोई कैरी मिल नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे, इस 9 का 10s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 9 का 10s कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब जब 1 आया फिर क्या करेंगे, इसको माइनस साइन लगा के हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 जो होगा क्या होगा, माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर आया था इसके आगे माइनस लगा के लिख दिए। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक, क्यों कॉम्प्लीमेंट निकाला था, सर्किट छोटा हो और कम टाइम में हम चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएँ। ठीक, तो आगे चलते हैं 9s कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डेसिमल सब्सट्रैक्शन को सीखेंगे यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ रूल लिखा हूँ स्टेप वाइज, इनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग डेसिमल सब्सट्रैक्शन को सीख पाएंगे नाइनस कंप्लीमेंट को यूज करते हुए, ठीक। लेकिन ये जो रूल मैं लिखा हूँ, ये रूल क्या है, कॉमन रूल है, ये नाइन ईयर्स के लिए भी लागू है, ये वन ईयर्स के लिए भी लागू है, ये सेवन ईयर्स के लिए भी लागू होगा और ये 15 ईयर्स के लिए भी लागू होगा, ओके। बस आर की वैल्यू को क्या करना है, इसमें बदल देना है, ठीक। जब जैसे क्या है, अगर बेस हम लोग का 10 रहेगा डेसिमल तो ये क्या हो जाएगा, 9s हो जाएगा। बेस बाइनरी रहेगा मतलब 2 रहेगा यहाँ पे, तो क्या होगा ये 1s हो जाएगा। वैसे क्या होगा, बस रूल ये बदल जाएगा, ठीक। तो देखिए लिखे हैं कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वन कम्प्लीमेंट, ठीक। तो देखिए क्या लिखा गया, पहला और दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, लगभग कुछ उसी तरीके का है जैसे पिछला था, ठीक। चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए लिखे हैं इक्वेट द नंबर ऑफ डिजिट इन माइन्यूट एंड सब्सट्रैक्ट, ठीक। क्या करना हम लोग को, सबसे पहले जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो माइन्यूट मतलब जिसमें से घटाते हैं उसको, ये हम लोग का माइन्यूट है, और जिसको घटाते हैं वो क्या होगा, हम लोग का सब्सट्रैक्ट होगा। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को इक्वेट करेंगे, अगर इक्वेट नहीं है तो, ठीक। इक्वेट है तो इक्वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, दोनों इक्वल हैं, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। और इक्वेट करते कैसे, पीछे हम लोग देखे हैं 0 के साथ क्या करेंगे, पैडिंग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या किए, 0 यहाँ पे लगा दिए, ओके। अब दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखा गया है, फिर यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि फाइंड आर माइनस वन एस कम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्रैक्ट। अब इसका आर माइनस वन एस कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, ठीक। मतलब हम लोग 9s कम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि जो हम लोग का डिजिट है ये हम लोग 9s कॉम्प्लीमेंट से क्या करें, परफॉर्म कर रहे हैं, और जो डिजिट है वो हम लोग क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम को डील कर रहे हैं, ठीक। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, तो आर माइनस वन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो 9s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, तो जितना डिजिट है उतने बार 9 लिख के घटा दीजिए, या फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। तो 10^5 माइनस वन लिख के क्या किए, घटा दिए, ये वैल्यू हम लोग कहा गया। अब जो ये वैल्यू आया इसको हम लोग क्या करेंगे, माइन्यूट में ऐड कर देंगे। तो देखिए माइन्यूट में ऐड किया गया, तो ऐड करने पर यहाँ जो 1 है वो क्या हो रहा, कैरी आ रहा है, ठीक। तो देखिए लिखे ऐड माइन्यूट विथ आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्रैक्ट, ठीक। तो ऐड कर दिए, अभी हम लोग को रिजल्ट मिला, करा कि द अबव एडिशन प्रोड्यूस अ कैरी एट दिस कैरी टू LSB ऑफ द सम, यहीं से रूल क्या है, चेंज है। अब देखिए वहां पे हम लोग क्या करते थे, जो कैरी रहता था उसको डिस्कार्ड कर देते थे, उसको इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, LSB में क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, ठीक। तो देखिए LSB क्या होगा, सबसे राइट वाला जो होगा डिजिट LSB होगा, तो इसको नीचे ला के इसमें जोड़ेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और तब जाके ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो यहां लिख देंगे 76532 माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 4250, ये तो हम लोग अपने प्रोसेस को अपनाने के लिए यहाँ जीरो बढ़ाए थे ना, यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप आगे यहाँ का ऐसे अनुदिभाग में सेट कर लीजिएगा, यहाँ कोई जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। ये तो दिया गया क्वेश्चन है ना, ओके। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है ये क्या आया है, इसका जो रिजल्ट है वो 722.82 निकल के आया, ठीक। यही सेम डिजिट हम लोग पीछे भी लिए थे, आपको याद होगा, ठीक। सेम एग्जाम्पल हम लोग पीछे भी लिए थे, उसको 10 ईयर से सॉल्व किए थे, तब भी क्या था, यही सेम रिजल्ट आया था, ठीक। तो 3 प्रोसेस हम लोग सीख गए ना, एक जो अभी तक हम लोग डेली लाइफ में यूज करते थे, एक इसके पीछे जो हम लोग 10s को यूज करके सीखे हैं, एक 9s को यूज करके सीखे हैं, ठीक। ये आपके घर में कोई होगा तो उसको बताएगा, कोई छोटा बच्चा होगा तो क्या होगा, इससे आपका क्या जो पढ़े ना ये अच्छे से और तैयार होगा, ओके, और वो सीख भी जाएगा। तो ये देखिए क्या है, हम लोग का एक नए तरीके का सब्सट्रैक्शन यहां सीखने को मिल गया, ठीक, कि हम लोग 9s से भी सब्सट्रैक्ट कर लिए इसको, ओके। अब देखिए एक दूसरा यहां पे दिया गया है, तो यहां दिया गया है, इसको यहां पे लिखें, ठीक। तब देखिए सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले हम लोग का काम है नंबर ऑफ डिजिट को चेक करना, माइन्यूट के और सब्सट्रैक्ट के। तो इसमें क्या है, एक 4 नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें क्या है, 5 है, तो एक कम है, तो 0 के साथ पैडिंग कर लेंगे, ठीक। अब 0 के साथ वास्तव में आप ऐसे कहीं अलग लिखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक। ऐसे 0 के साथ पैडिंग कर लिए, अब क्या करेंगे, जो सब्सट्रैक्ट है उसका 9s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो जितना डिजिट है उतने बार 9 लिख के घटा देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। फिर क्या करेंगे, अब जो हम लोग का ये बना है पैडिंग के बाद, इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे माइन्यूट को, ठीक। इसको इसमें क्या किए, जोड़ दिए हैं, जोड़ने में क्या होगा, ये हम लोग का डिजिट आया, ठीक। अब देखिए किसी तरीके का कैरी वरी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, उसके लिए उसका भी इलाज रखा गया यहाँ पे, ठीक। तब उसका चल रहा है इलाज करने, तो क्या कर रहा है कि द एबव एडिशन डज नॉट प्रोड्यूस कैरी, अगर जो हम एडिशन कर रहे हैं अगर कैरी नहीं दे रहा है, क्या करना है, टेक आर वन एस कॉम्प्लीमेंट टू द रिजल्ट ऑफ सम, जो रिजल्ट आया है सम का उसका आर माइनस माइनस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। पीछे अगर कैरी नहीं लेता था तो उसका क्या करते थे, 10s कॉम्प्लीमेंट लेते थे, यहाँ पे कैरी नहीं रख रहा था इसका आर माइनस माइनस मतलब 9s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 9s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, जितने बार डिजिट लिखा हुआ उतना बार 9 लिख के घटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका 9s कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। अब फिर जब ये आ जाएगा तो क्या लिखा गया, प्लेस निगेटिव साइन इन फ्रंट, तो इसके फ्रंट पर क्या करेंगे, निगेटिव साइन लिख देंगे। तो मतलब कैसे कह देंगे, भाई साहब ये जो रिजल्ट है ये आप जाके मैच कर लीजिए, ये जो रिजल्ट
रिजल्ट है ये -72282 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है नंबर ऐसे लिखा था, बड़े में छोटे घटा रहे थे तो पॉजिटिव आया, छोटे में से बड़े से घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 9S 10S कंप्लीमेंट को यूज करते हुए डेसिमल को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। ठीक, अभी आप सीख रहे हैं स्टेप को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे लग रहा है कितना लंबा है, कोई लंबा नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट आप चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाएंगे, बस 3 से 4 लाइन में आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं, 12 वगैरह का काम धाम खत्म। ओके, क्लियर, उधार लेने का काम नहीं, इसमें सीधे चीज़ों को साफ साफ खड़े खड़े लिख देना। ओके, क्लियर, तो ऐसे देखिए हम लोग 9S और 10S को करते हुए सीख गए। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और है, अगर आपसे कोई कहे 10S कंप्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले 9S कंप्लीमेंट निकाल लीजिए और उसमें क्या करिए एक जोड़ दीजिए, तो आपको क्या होगा 10S कंप्लीमेंट मिल जाएगा। किसी नंबर का कोई कहे कि 10S कंप्लीमेंट बताइए, तो क्या करिए उस नंबर को, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है 15 है, इसका कोई कह रहा है कि 10S कंप्लीमेंट बताइए, तो क्या करिए इसको 99 में से 15 को पहले इसका 9S कंप्लीमेंट निकाल लीजिए, मतलब 99 में से 15 को क्या करिए घटा लीजिए, अब जो आ रहा है उसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या होगा 10S कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि RS कंप्लीमेंट क्या होता है, R-1+1 के क्या होता है, बराबर होता है, R-1S कंप्लीमेंट एक जोड़ने पर RS कंप्लीमेंट मिलता है, तो इसका 9S कंप्लीमेंट हम लोग निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक, उसमें क्या करेंगे एक जोड़ लेंगे तो इसका 10S कंप्लीमेंट मिल जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक जोड़ने पर 10S कंप्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप चीजों को भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 निकाल के तब क्या करें 10 निकाल लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, तो आज के लेक्चर को ये फिनिश करते हैं, उम्मीद है आप सीख गए होंगे, कुछ असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आपके बुक में तमाम सारे क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करेगा, अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा बताएगा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। ओके, ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लेक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है। ठीक, आप लाइक करेंगे तो उसमें इंसान क्या होगा, एनर्जेटिक होगा, तो अगले लेक्चर को भी एनर्जेटिक होके बनाएगा। लाइक नहीं करते हैं तो आदमी एनर्जेटिक नहीं हो पाता, तो वैसे ही आके लेक्चर बन जाता है। ओके, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।